नमस्कार चाणक्य आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत यूक्रेन रूस के बीच युद्ध जारी है और इस बीच अमेरिका ने यह किया कि रूस पर और अधिक आर्थिक दबाव डालने के उद्देश्य से रूस से होने वाले ऊर्जा आयात पर प्रतिबंध लगा दिया अब ऐसा नहीं है कि अमेरिका रूस से बहुत बड़ी मात्रा में ईंधन आयात करता है लेकिन यह एक बड़ा संकेत है इस बात की ओर कि और अधिक साझेदार इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं और बढ़ भी रहे हैं ऊर्जा क्षेत्र की बड़ी पश्चिमी कंपनियां रूस से दूरी बना रही है जिससे भविष्य में ईंधन आपूर्ति प्रभावित हो सकती है और निकट भविष्य में ईंधन की कीमतें बढ़ी भी रह सकती है यहां अगर यह भी होता है कि आने वाले दिनों में यूक्रेन रूस विवाद का कोई कूटनीतिक हल निकल आए लेकिन ईंधन की कीमतों में तेजी जारी रह सकती है अब हम यह जानते हैं कि भारत बड़े पैमाने पर क्रूड ऑयल सनफ्लावर ऑयल फर्टिलाइजर का आयात करता है ऐसे में इनकी बढ़ी हुई कीमतों के साथ जुड़ी वृहद आर्थिक जटिलता कुछ समय तक जारी रह सकती है इस वर्ष के आरंभ से अब तक अगर तेल की कीमत की हम बात करें तो उसकी कीमत में सत्तर फीसदी की बढ़ोतरी हुई है बढ़ी हुई कीमतें देश को जिन रूपों में प्रभावित करेगी उनमें एक है रुपए का वायुमूल्य मतलब उसका एक्सचेंज रेट रुपया इस सप्ताह अपने अब तक के निम्न स्तर पर पहुंच गया था मतलब एक डॉलर की कीमत हो गई थी 80 रुपए के आसपास परंतु इसके बाद कुछ हद तक सुधार है लेकिन रुपए पर दबाव जारी रह सकता है और आगे भी रुपया कमजोर बना रह सकता है रुपए के निकट भविष्य में कमजोर बने रहने की तमाम वजह है आयात की जाने वाली वस्तुओं की बढ़ी हुई कीमतों के कारण उन्हें खरीदने के लिए पहले की तुलना में अधिक अमेरिकी डॉलर की जरूरत होगी इससे अमेरिकी डॉलर की मांग बढ़ेगी और डॉलर की यह बढ़ी मांग डॉलर की कीमत में तेजी लाएगी रूस यूक्रेन युद्ध ने निवेशक के मनोबल को कम कर दिया है यही कारण है कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक भी भारतीय शेयर बाजार से बाहर हो रहे हैं इसके कारण क्या हो रहा है इसके कारण डॉलर की मांग और बढ़ रही है उदाहरण के लिए विदेशी निवेशकों ने इस महीने में अब तक छब्बीस हजार करोड़ रुपए मूल्य के भारतीय शेयर बेचे हैं मतलब एक तरफ आयात महंगा हो रहा है और दूसरी ओर विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक के भारतीय शेयर बाजार से बाहर निकलने के कारण पूंजी खाता मतलब कैपिटल अकाउंट पर भी दबाव पड़ रहा है इसके अतिरिक्त एक और खतरा है वह यह है कि फेडरल रिजर्व मतलब अमेरिका की केंद्रीय बैंक तो फेडरल रिजर्व भी जल्दी ही ब्याज दरों में इजाफा शुरू कर सकता है इससे क्या होगा यह भी निवेशक को भारतीय बाजार को छोड़कर अमेरिकी बाजार की ओर आकर्षित करेगा मतलब फिर वही स्थिति होगी कि डॉलर का आउटफ्लो भारत से होगा मतलब उसका प्रभाव भारत से होकर किधर की ओर होगा अमेरिका की ओर होगा देखिए अभी जो वैश्विक घटनाएं घट रही है उन घटनाओं से यह बात तो स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में रुपए पर दबाव बढ़ेगा तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाना चाहिए क्योंकि यहां दो चीजें देखी जा रही है पहला कि मुद्रा स्फीति का हम आयात कर रहे हैं और दूसरा डॉलर का बाहर जाना मतलब जो रुपए को कमजोर कर रहा है और कमजोर रुपया मुद्रा स्फीति का दबाव बढ़ाएगा क्योंकि उच्च मुद्रा स्फीति मतलब अगर इन्फ्लेशन हाई हो तो यह परचेजिंग पावर को कम करता है और यह मुद्रा के वाह्य मूल्य मतलब बाहरी मूल्य या एक्सचेंज रेट उसमें भी यह दिखाई देगा तो ऐसे में रिजर्व बैंक को मुद्रा स्फीति संबंधी पूर्वानुमान का नए सिरे से आकलन करना चाहिए और उसके अनुरूप काम करना चाहिए देश के मौजूद विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग डॉलर के मुकाबले रुपए के गिरते मूल्य को बैलेंस करने में करना चाहिए क्योंकि मुद्रा स्फीति की अनदेखी करने से जोखिम बढ़ सकते हैं और इनमें बाहरी जोखिम भी शामिल है तो यह थी इस वीडियो से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपके साथ शेयर की गई आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद Don't forget to like, share, and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.